हेलो, नमस्कार। माय नेम इज सतपाल पांचाल और आज हम बात करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। यह एमएस वर्ड की वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की हुई है ऑफिस बटन, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब। यदि आपने इनके बारे में जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल में आप इनकी वीडियो का देख सकते हो और आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। रेफरेंस टैब में सबसे पहले है हमारा टेबल एंड कंटेंट। टेबल एंड कंटेंट क्या होता है? जैसे आपने बुक्स देखी होगी, कोई भी बुक्स होती है हमारी, उससे पहले एक इंडेक्स होता है। वो पूरे डाटा का एक सोर्स होता है। वहाँ से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर जैसे लेसन नंबर 1 किस पेज पे है, लेसन नंबर 2 किस पेज पे है, लेसन नंबर 3 किस पेज पे है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ इंडेक्स बनाने के लिए करते हैं। इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बुक या प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं पूरी बुक लिखने बैठ गया तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये आपका एक टॉपिक है, इसे हम लेसन मान लेते हैं। करना कैसे है, आपने 3-4 पेज लिखने हैं। इसको मैं अलग पेज पर लेके जाता हूँ। आप देखो, मैं अलग पेज पर लेके चला गया, इसको अलग पेज पर आ गया यहाँ पर। उसके बाद इसको भी अलग पेज पर ले जाते हैं। तो मान लेते हैं हम कोई बुक लिख रहे थे, उसके अंदर 3 लेसन है हमारे। लेसन कैसे बनते हैं? जैसे ये हार्डवेयर है, ये एक टॉपिक का नाम ले लेते हैं हम, लेकिन ये ऐसे टॉपिक का नाम नहीं आता है। इसको पहले हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखनी है बात। इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट तभी चलता है जब आपने अपने टॉपिक को हेडिंग में कन्वर्ट किया हुआ हो। यहाँ से आपको हेडिंग 1 देनी पड़ेगी। आप इसको कोई फॉर्मेटिंग दो या ना दो, वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने हेडिंग में कन्वर्ट नहीं किया वो नहीं चलेगा। तो आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। सभी को आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे सॉफ्टवेयर को पहले हार्डवेयर को किया, अब हम सॉफ्टवेयर को कर लेते हैं, नेटवर्किंग को, या आगे और भी हैं आपके तो आप उनको भी कर सकते हो। तो सिर्फ क्या करना है, लेसन लिखने हमने, अपने टॉपिक लिखने, टॉपिक की जो मेन हेडिंग है उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है इसका कोई हमें लेना देना नहीं। ये लेसन होता है हमारा, लेसन की डिटेल होती है। ये इंडेक्स में नहीं सो होती। इंडेक्स में तो सिर्फ ये सो होता है कि हमारा हार्डवेयर जो पेज है, लेसन है, टॉपिक है, वो किस नंबर पेज पे है, सॉफ्टवेयर किस नंबर पेज पे है। तो अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर एक खाली पेज ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पर अपनी बुक, जो मैंने बुक अभी लिखी है या मैंने जो टॉपिक लिखा है, उनका इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो बुक बनाई है मैंने, या मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं, उसमें कौन सा टॉपिक किस पेज पे है। ये जानने के लिए आपको पेज रेफरेंस पे, सॉरी रेफरेंस पे जाएंगे, रेफरेंस पे टेबल एंड कंटेंट। टेबल एंड कंटेंट पे यहाँ पर आपको 2 टेबल मिलेंगी। आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो जो आपको बेटर लगती है। आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लिखाएगा, यहाँ पर आपको खाली कंटेंट लिखाएगा। तो हम यहाँ पर कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं और थोड़ा ऊपर जाके देखो, तो यहाँ पर देखो कंटेंट लिखा है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं कंटेंट की जगह। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, हार्डवेयर जो है हमारा, लेसन नंबर या टॉपिक नंबर, हार्डवेयर जो है 1 नंबर पेज पे है, सॉफ्टवेयर जो है 3 नंबर पे, 2 नंबर पेज पे, या नेटवर्किंग जो हमारा 3 नंबर पेज पे है। तो ऐसे आपको पता लग जाता है कि ऐसे आपका, सॉरी, इंडेक्स क्रिएट हो जाता है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट के फ्रंट में लगा सकते हो। इसमें चाहे आपके 3 लेसन हो, 10 लेसन हो, 20 लेसन हो, जितने भी लेसन होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, उनका इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आगे है अपडेट, इसके इतना यूज नहीं है। अपडेट ऑफ टेबल, अपडेट टेबल, इसमें क्या होता है, यदि आपने यहाँ पर किसी, या तो आपने और कंटेंट ऐड कर दिया, और लेसन ऐड कर दिया इसके अंदर, और या फिर आपने किसी टॉपिक का नाम चेंज कर दिया। जैसे मैंने इसका कंप्यूटर कर दिया, पहले यहाँ पर नेटवर्किंग था, 3rd नंबर पेज पे कंप्यूटर कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो 3rd नंबर पे अभी नेटवर्किंग है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से इंडेक्स टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, या तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप टेबल ऑफ अपडेट टेबल पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर कंप्यूटर आ जाएगा आपका। उसके बाद है हमारा फुटनोट। फुटनोट में इंसर्ट फुटनोट है, एंड नोट है, और ये नेक्स्ट आगे पीछे जाने के लिए। फुटनोट क्या होता है, पहले आप नाम से पता लग रहा है, फुटनोट,
यानी पेज के बॉटम में आपको कोई नोट डालना है। जैसे हमारा हेडर और फुटर नहीं होता, फुटर जो नीचे में नीचे की साइड पेज के एक डिटेल शो करता है यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार ये फुटर भी वही काम करता है। लेकिन फुटर और फुट नोट में क्या फ़र्क है, फुटर क्या होता है, हर एक पेज पे आता है, वन टाइम इंसर्ट करना पड़ता है आपको, वो हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली आता है। और इंसर्ट फुट नोट में क्या होता है, आपको हर एक पेज को अलग अलग देना पड़ता है। जैसे आपने ये पेज लिखा है, ये लिखा आपने हार्डवेयर के बारे में, तो यहाँ पर एक सिंपली नोट डालना चाहते हो नीचे, ऐसे आपने नीचे लिख दिया, यहाँ पर आप पॉइंट भी आ जाएगा कि पहला फुटर डाल रहे हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो दिस पेज हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ हार्डवेयर, ठीक है आप लिख सकते हो दिस पेज हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ हार्डवेयर, या कुछ भी आपने देना है यहाँ पर, जिसका भी आपने टॉपिक बनाया हुआ। तो ये सॉरी, ये मैंने सॉफ्टवेयर का दे दिया, कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर का देख लेते हैं। तो हमने यहाँ हार्डवेयर को देना था, हार्डवेयर को नहीं दे पाए, नहीं यहाँ पर ये कुछ ना कुछ हुआ है, हाँ वहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने लास्ट में क्लिक कर दिया, ये लास्ट में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आ जाता है आपका। अभी मैं दोबारा देख दिखाता हूँ, जैसे हमने अब इसको देना, आपने यहाँ पर क्लिक कर रखा है सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पर आपने फुट नोट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक कर्सर नीचे चला जाएगा, देखो सॉफ्टवेयर के नीचे चला गया, वहाँ पर उस टाइम मैंने नीचे क्लिक कर रखा था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस पेज हैव इंफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर या समथिंग, कुछ भी लिखो, लिख दिया। ऐसे आपने वन बाय वन हर एक पेज को फुटर दे देना है, आपकी इच्छा है, आप देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो, कोई ज़रूरी नहीं है हर एक पेज को ही देना है। ये तब होता है जब किसी पेज के बारे में हमें ठीक से नहीं समझ में आ रहा तो नोट डाल देते हैं, ताकि रीडिंग पढ़ने वाला व्यक्ति इसको ठीक से समझ जाए। तो यहाँ पर भी आप समथिंग समथिंग लिख दो, दिस पेज ए बी सी, ठीक है हमने ऐसे कुछ लिख दिया, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब कितने फुटर लगाए थे, फुट नोट लगाए थे, तीन लगाए थे हमने। उसके बाद होता है एंड नोट। अभी फुट नोट तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पर दिया जाता है पेज के लास्ट में। अभी एंड नोट क्या होता है, एंड नोट नाम से ही पता लग रहा है, एंड में नोट डालना, एंड में नोट, ये तो प्रत्येक पेज पे आएगा, ये क्या होता है एंड नोट, लास्ट में पेज के बिल्कुल लास्ट में, और सॉरी आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में। जैसे आपने एक बुक लिखी है उसमें 100 पेज हैं, 200 पेज हैं, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है वो लास्ट पेज पे चला जाएगा, ये लास्ट पेज है इसका, और यहाँ पर ही अपने आप आया, मैंने लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कि दिस बुक हैव इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर या कुछ भी, दिस दिस बुक का मतलब जो आपने ऊपर पेज लिखे हुए हैं या जो बुक बनाई है या जो भी टॉपिक बनाए हैं वो, ये जैसे कि ये वाले, ये तीन टॉपिक हैं, ये किसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं या क्या आपने इसमें बताया था, ऐसा आप इंसर्ट एंड नोट। और एंड नोट क्या है, आप लास्ट पेज पे ही दे सकते हो, हर एक पेज पे नहीं दे सकते। आगे हमारा नेक्स्ट फुट नोट या एंड नोट या प्रीवियस, ये क्या होता है, जैसे हम कहीं पर आए, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ये जानना है कि हमने फुट नोट कहाँ डाला हुआ है, तो हम क्या फुट नोट पे क्लिक करेंगे। मैंने फुट नोट पे क्लिक किया तो मुझे पता लग गया ये पहला फुट नोट है, इसके बाद का कहाँ है, इसके बाद का, देखो ये तो तीन ही पेज है, आपको लग रहा होगा हाँ नीचे वाले पेज भी है, लेकिन क्या होता है बुक है, बुक में हमने 200-300 पेज इंसर्ट कर रखे हैं और सभी पे फुट नोट या एंड नोट नहीं, सॉरी फुट नोट नहीं लगाया जाता। मान लो 200 पेज में से आपने 10 पेज पे आपने एंड नोट लगा रखा है, तो उसको फाइंड करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट फुट नोट पे हम क्लिक करेंगे तो अपने आप बता देगा कि नेक्स्ट फुट नोट यहाँ लगाया था जिसकी डिटेल नीचे आई होगी, यहाँ पर, यहाँ पर ये डिटेल आ रही है, ये वर्क में यहाँ लगा था, यहाँ 3 नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक उसी प्रकार ऊपर 2 नंबर आते हैं, इस पेज के बॉटम में 3 नंबर आया होगा, तो टोटल 3 थे। उसके बाद अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आगे वो जाएगा नहीं, क्योंकि आगे फुट नोट हमने लगाया ही नहीं। और यदि एंड नोट देखना हो, देखो ये प्रीवियस क्या है, अभी आप लास्ट पे हो है ना, अभी हम आखिरी पे हैं तो आगे नहीं जा रहा, लेकिन हम प्रीवियस करना चाहते हैं तो वापस तो जा सकते हैं, ये अब 2 नंबर दिखा रहा है, प्रीवियस करो तो ये अब 1 नंबर दिखा रहा है। तो ये होता है हमारा फुट नोट को, फुट नोट पे आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए एंड नोट। देखो वैसे तो एंड नोट लास्ट पेज पे ही होता है, वो तो एक ही होता है, हाँ लेकिन एक नहीं 2-3 दे सकते लास्ट पेज पे भी आप, तो ऐसे आप एंड नोट पे क्लिक करो, नेक्स्ट एंड नोट तो एक ही है इसके अंदर जो कि लास्ट पेज पे है, वो कैसे मिलेगा आपको, देखो 100 नोट पे क्लिक करो,
आप फुट नोट देखना चाहते हो या एंड नोट देखना चाहते हो। मान लो आप फुट नोट देखना चाहते हो, ऐसे क्लिक कर दो, सॉरी यहाँ पर है हमारा कर्सर, और मुझे देखना है कि फुट नोट कहाँ लगा हुआ है। सो नोट पे जाएंगे, फुट नोट पे क्लिक किया, हमारा कर्सर यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली जो नियर बाय उसके फुट नोट होता है उसके पास चला गया। अब हम नेक्स्ट प्रीवियस करके अगले फुट नोट फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम एंड नोट पे जाएंगे, एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो एंड नोट पे हमें कर्सर ले जाएगा। तो फुट नोट का यूज़ किस लिए होता है? पेज के बॉटम में कोई नोट डालने के लिए। एंड नोट का यूज़ होता है पेज बुक के लास्ट या डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे कोई नोट डालने के लिए। इसका यूज़ आगे पीछे करने के लिए होता है, आगे पीछे फुट नोट को देखने के लिए, और ये फुट नोट या एंड नोट को शो करने के लिए होता है। फुट नोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया देखना है। सिटेशन एंड बिब्लोग्राफी। सिटेशंस क्या होता है इसके लिए, चलो इसी पे समझा देता हूँ। जैसे आपने कोई बुक लिखी है या आप बुक लिख रहे हो, आपकी कंपनी में अलग अलग ऑथर हैं, या आप किसी अलग अलग ऑथर की कोई कोई लाइन आप इसमें इंसर्ट कर रहे हो, जैसे ये वाली डिटेल आपने लिखी है, मान लो ये आपके दिमाग की उपज है और आपने अपने दिमाग से लिखी है, आप अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो कि मेरा नाम इस कंटेंट के आगे आए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिटेशन ऐड करनी पड़ेगी। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस किस ऑथर की डिटेल इस पेज में इंसर्ट करना चाहते हो। तो सोर्स करने के लिए फिर आप यहाँ पर आप सिलेक्शन भी, कि आप कोई बुक लिख रहे हो, कोई बुक का भाग लिख रहे हो, या कुछ आर्टिकल रिपोर्ट क्या लिख रहे हो, आपको वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप फिल्म लिख रहे हो, परफॉर्मा लिख रहे हो, इंटरव्यू लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। मान लेते हैं बुक लिख रहे हैं, ऑथर का नाम क्या है, मान लेते हैं रवि कुमार, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑथर भी इसी मान लेते हैं। टाइटल क्या है बुक का, भाई बुक जो लिख रहे हैं वो क्या है, मान लें हार्डवेयर, ईयर कौन सा था, मान लेते हैं 2018, सिटी क्या है, करनाल, पब्लिशर कौन है, पब्लिश मतलब इस बुक को कौन पब्लिश करेगा। जैसे होते हैं ना एमबीडी, प्रमोद ज्योति बुक डिपो, इनकी बात हो रही है, तो हम लिख लेते हैं एमबीडी। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर देना है, या आप यहाँ से और अदर डिटेल आप फिल करना चाहते हैं तो अदर डिटेल भी फिल कर सकते हो। आपके ऊपर है एडिटर, वॉल्यूम कौन सी है, आपके ऊपर है, ये सारी डिटेल आप ऐड कर सकते हो। ओके तो अभी आपने देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखो रवि कुमार आया हुआ है, एक ही ऑथर है। यदि आपके कंपनी में और भी ऑथर हैं या इस बुक में आपने किसी और ऑथर की भी डिटेल डाल रखी है, तो वन बाय वन यहाँ पर हम हर एक ऑथर की डिटेल डालेंगे। पूजा रानी, ये भी ऑथर मान लेते हैं, इसने लिखा है नेटवर्किंग के बारे में, ये 2018 मान लेते हैं, सिटी चलो करनाली मानते हैं, पब्लिशर कौन है इसका, एमबीडी मान लेते हैं, एमबीडी, ठीक है, ऐसे आपने मानना है। ओके ऐसे आपको अगर आपके देखो ये दो आगे होंगे, अगर आपको और ऑथर की डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ पर आप न्यू सोर्स पे जाके आप ऐड करते जाओगे। अब यहाँ तो दोनों की डिटेल आ गई, यहाँ दोनों की डिटेल मैं एक बार हटा देता हूँ, बैक स्पेस से हट जाएगी। अब ये वाला कंटेंट जो है ये मान लेते हैं रवि ने लिखा है, रवि मतलब रवि कुमार ने लिखा था, ऐसे हम क्लिक कर देंगे तो रवि कुमार यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला कंटेंट मान लेते हैं कि पूजा ने लिखा है, पूजा रानी ने लिखा है, तो यहाँ पर पूजा रानी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई जैसे तीसरा कह रहा है ये वाला, ये किसी और ने लिखा है, तो आप यहाँ पर उसको ऐड करोगे, पहले ऐड करने के बाद वो लिस्ट में आएगा, और लिस्ट में आने के बाद आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स में क्या होता है, अगर इनमें से कोई डिटेल आपको नहीं चाहिए, मुझे रवि कुमार का नाम नहीं चाहिए या पूजा का नाम नहीं चाहिए, या हमारे पास ऑलरेडी है उनका नाम, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, हमारे आपके पास है ना जितने भी आप ऐड करते जाओगे वो मास्टर लिस्ट में सेव होते जाएंगे। अब यहाँ से आपने हटा दिया, मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये इंसर्ट है, अभी अभी डिलीट नहीं कर सकते आप इनको, यहाँ से डिलीट कर दिया, और यहाँ से तो डिलीट हो जाएंगे लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं होंगे, अगर यहाँ से डिलीट कर दिया आपने फिर ये वापस नहीं आ पाएंगे। तो हमारे इसको मैनेज करने के लिए होता है, एक बार हटा लो इस चीज़ को तब बता पाऊंगा मैं प्रॉपर। हमने यहाँ से ऑथर की डिटेल हटा दी, अब मैनेज सोर्स में जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ, सॉरी यहाँ से डिटेल डिलीट हो गई, किसकी हुई है, पूजा रानी की हुई है, कोई बात नहीं, रवि को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से डिटेल आपने डिलीट कर दी, मैंने रवि की कर दी, पूजा की कर दी, होगी डिटेल, और क्लोज करना है, काट देना है। अब यहाँ पर सिटेशन पे क्लिक करो, देखो सॉरी यहाँ से सिटेशन पे क्लिक करो तो यहाँ देखो अब वो नाम नहीं आ रहे, पूजा या रवि ऐसा नाम नहीं आ रहा,
तो अब क्या दोबारा से ऐड करना पड़ेगा? नहीं, आपको दोबारा से ऐड नहीं करना, मैनेज सोर्स में जाएंगे, यहाँ से ये लिस्ट अगर आपने डिलीट कर दिया फिर वापस नहीं आ सकता। अगर ये लिस्ट यहाँ पर है फिर आप वापस ला सकते हैं, जैसे आपने इस पर क्लिक करना, कॉपी पे क्लिक कर देना, वाप यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, और ऐसे दोनों आ गए। तो आप यहाँ पर आके देखो, तो यहाँ पर भी ये दोनों लिस्ट आ गई, दोनों लिस्ट। इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, इसका यूज़ इसलिए होता है कि आपने क्या दिखाना है। ऐसे मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर रवि आ रहा है तो यहाँ कुछ स्टाइल चेंज हो जाएगा, कुछ होगा कि नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन होता है, हल्का सा इफेक्ट पड़ता है, कहीं कुमार आएगा। हाँ देखो, हुआ कुछ, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है कुछ, हाँ कभी कुमार है, कभी किसी किसी में नाम नाम आता है, किसी में पीछे का लास्ट नेम आता है। देखो यहाँ पर वन आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ स्टाइल होते हैं, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, पूरा नाम नहीं दिखाना है अगर। अगर अभी हमने पूरी डिटेल डाली थी रवि कुमार के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ नाम आ रहा है 2018। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे ऑथर हैं उन सब की डिटेल हमें शो हो, यहाँ पर दिखाई दे, तो उसकी हम एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं बिब्लोग्राफी पे क्लिक करके। बिब्लोग्राफी पे क्लिक करके हम उसकी इंडेक्स शो कर सकते हैं। आपने ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर दो टेबल आएंगी, आप दोनों में से जिस पे क्लिक करो, यहाँ पर आप बिब्लोग्राफी लिखाएगा, यहाँ पर वर्ड सिटी लिखाएगा, तो आपने बिब्लोग्राफी पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने पूजा, आपकी इसमें दो ऑथर ऐड किए थे आपने, तो दोनों की डिटेल दिखा रहा है। पूजा ने नेटवर्किंग का टॉपिक कवर किया हुआ है, करनाल MBD ये 2018, ऐसे रवि के बारे में डिटेल दिखा रहा है। तो ये है आपका बिब्लोग्राफी। उसके बाद है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? अब हमने बुक लिखी है, जैसे यही बुक मान लेते हैं, इस बुक में चलो हेडिंग ले ली हमने, बुक मार्क भी ले लिया, फुट नोट भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन आपने देखा होगा हमारी बुक के अंदर फिगर भी होते हैं, फिगर जो कि किसी कंटेंट को समझाने में हेल्प करते हैं, कोई शेप्स होती है। तो मान लो हमने अपनी बुक के अंदर कोई फिगर इंसर्ट किया हुआ है, तो आपने देखा भी होगा तो नीचे फिगर नंबर लिखा होता है, भाई फिगर नंबर वन, फिगर नंबर टू, फिगर नंबर थ्री या कुछ ऐसा। तो आपको वन बाय वन पेज पे आपको पहले फिगर इंसर्ट करने पड़ेंगे, कुछ भी ले लो, अभी तो सिर्फ मैं डेमो के लिए ले रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारी बुक के अंदर ये तीन है फिगर, इनके नाम देने के लिए भाई इस फिगर का क्या नाम है, कैप्शन का यूज किया जाता है। या हमसे कल को कोई पूछता है, अभी आपने जो ये बुक लिखी है इसके अंदर कितने फिगर हैं, तो हमें कैसे पता लगे? कैप्शन के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि हमारी बुक के अंदर कितने फिगर हैं, किस नंबर पेज पे है और उस फिगर का क्या नाम है। कैसे? सबसे पहले आपको वन बाय वन फिगर इंसर्ट करने, फिगर इंसर्ट करने के बाद फिगर को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से देखो फिगर नंबर आ गया, आप यहाँ से ओके करोगे तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसका नाम आगे मेंशन करना चाहो तो भी कर सकते हो, जैसे हार्डवेयर के बारे में कोई आपने कुछ समझा रखा है यहाँ पर हार्डवेयर, ठीक है ओके करो तो नीचे इसका नाम आ जाएगा, ऐसे आपने क्लिक कर देना। अब दूसरे पे आओ, अब दूसरे पे आएंगे, इसको भी आप ये फिगर नंबर, अगर आपने ब्लैंक छोड़ना है ब्लैंक भी छोड़ सकते हो आप, आपकी इच्छा है। सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सिटेशन कैप्शन, ये क्या था, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग। अब देखो तीनों फिगर या जितने भी आपके बुक के अंदर या आपके फाइल के अंदर फिगर आपने इंसर्ट करने थे, 3, 4, 5, 10, 20, सबको आपने वन बाय वन कैप्शन देना है, यानी नाम देना है। नाम देने के बाद अब आपने करना क्या है, आप चाहते हो कि मुझे ये पता लगे कि मेरी बुक के अंदर कितने फिगर हैं और वो किस किस नंबर पेज पे हैं, तो उसका भी आप एक इंडेक्स टेबल क्रिएट कर सकते हो। इंडेक्स टेबल आप क्रिएट करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे इंडेक्स टेबल पे, कुछ नहीं करना आपने यहाँ पर, कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। अगर हाँ आप कोई यहाँ से फॉर्मेट लेना चाहते हो, स्टाइल लेना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है कि आपने कैसा लेना है, और ओके कर देना है। तो ये बताएगा फिगर नंबर वन जो है हार्डवेयर का है, एक नंबर पेज पे है, फिगर नंबर दो सॉफ्टवेयर का है, दो नंबर पेज पे है, फिगर नंबर तीन नेटवर्किंग का है जो कि तीन नंबर पेज पे है। तो ऐसे हम सिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से हमें बिब्लोग्राफी, सॉरी ये था हमारा कैप्शन, ये थी हमारी स्टेशन एंड बिब्लोग्राफी, और ये था शायद हमारा फुट नोट, फुट नोट, और यहाँ से टेबल हमने क्रिएट करी थी, ये रही, हाँ ये थे हमारा इंडेक्स टेबल। तो ये जो सारे ऑप्शन हैं ये क्या है, हमारे बुक जो फाइनल बुक जो हम बना लेंगे उसके बाद के यूज़ करने के होते हैं, कि हमने इंडेक्स कैसा लेना है, बुक्स कैसी डेवलप करनी है, ऑथर का नाम कहाँ दिखाना है, बॉटम में कुछ दिखाना है कि नहीं उसके, या फिगर नंबर दिखाने हैं, फिगर की आपको टेबल होनी चाहिए, ऐसा कुछ। उसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ दो प्रकार से किया जाता है, एक तो इसका यूज़ आप क्रॉस चेकिंग के लिए कर सकते हो, क्रॉस चेकिंग मतलब आपने कुछ जानना हो अपने डॉक्यूमेंट के बारे में,
और एक इसमें एक लिंक क्रिएट होता है हर एक आपकी टॉपिक का। एक तरह से आप इसका यूज इंडेक्स क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हो। मैं अभी करके दिखा देता हूँ, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर देता हूँ। तो हमने एक बुक लिखी थी, उसमें तीन टॉपिक थे और हमने उसका इंडेक्स क्रिएट करना है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, अभी देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो इसमें करना क्या है, आपने क्रॉस रेफरेंस पे जाना, जैसे मैंने अभी कहा कि क्रॉस चेकिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे, कि हमने ये जानना है कि हमने हेडिंग कितनी लगा रखी है। इस पेज में आपने तीन हेडिंग यानी चार, एक ये बिबलोग्राफी की भी हेडिंग आती है, ठीक है। तो आपने चार हेडिंग अपने डॉक्यूमेंट में लगा रखी है। बुकमार्क पहले आपको सिखाया गया था कि बुकमार्क कैसे लगाते हैं पिछली वीडियो में, तो अभी तो आपने बुकमार्क नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो आपने फुटनोट फुटनोट दिखा रहा कितने हैं, और आपका एंड नोट दिखाएगा कितने हैं, और यदि आपने इक्वेशन तो नहीं दे रखी है, फिगर दे रखा है, फिगर दिखाएगा कि कितने हैं। तो जितने भी आपको डिटेल यहाँ पर शो रही है, आप उसका एक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर सकते हो। कैसे, जैसे उसका एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा उस, जैसे अभी हेडिंग का कर रहे हैं, तो हेडिंग हमारे पास ये है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा, ठीक है। तो मुझे हार्डवेयर का, हार्डवेयर पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर देना आपने, तो यहाँ पर देखो हार्डवेयर आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करो, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हो सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपका कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। हमने ये तीन ले दिए, आगे उसके बाद आप क्लोज कर दो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक हमारा इंडेक्स भी आ गया या कुछ भी डिटेल आ गई एक तरह की, लेकिन इसका हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमें ये पता लग गया कि हमारी इसमें कितनी हेडिंग है, कितने टॉपिक है, यहाँ से हमें पता लग रहा है। और ये हमारे ऊपर आ गया, हमने तीनों लेने हैं, एक लेना है, दो लेना है। इसका यूज़ किस लिए होता है, जैसे मुझे ये एक इंडेक्स है और मुझे जाना है हार्डवेयर के, भाई हार्डवेयर कितने नंबर पेज पे है। पहले तो हमें यहाँ पता लगता था कि एक नंबर पेज पे है, दो नंबर पेज पे है, तीन नंबर पेज पे है, तो वहाँ पर हमें जाके पता करना पड़ता था। अब क्या करना है, कंट्रोल दबाना है आपने और हार्डवेयर पे क्लिक कर देना है, आप का कर्सर ऑटोमेटिकली हार्डवेयर पे चला जाएगा। यानी एक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर दिया आपने यहाँ का। वापिस आते हैं एक बार, मुझे जाना है सॉफ्टवेयर पे, कंट्रोल दबाओ, क्लिक दबाओ, सॉफ्टवेयर पे चले जाओ, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद है हमारा इंडेक्स, इसमें मार्क एंट्री, ये भी एक सिंपल ऑप्शन है। जैसे आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट था, इंडेक्स क्रिएट करता है, इसमें आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे, तो तरीका भाई आपने मेन टॉपिक को सिलेक्ट करना है, मार्क एंट्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप सब कैटेगरी देना चाहो तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप मार्क करो, कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो रहा है, आप इसको छोड़ दो, ये नॉर्मल हो जाएगा अभी। या ये बता रहा है कि भाई आपने मार्क कर दिया इस चीज़ को, ये बता रहा है आपको। यदि अजीब लग रहा, होम में जाके आप इस पर सो एंड हाइड पे क्लिक कर दो, ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। तो आपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, तो मार्क एंट्री दोबारा करो, मार्क एंट्री पे क्लिक कर दिया, आप उसको चेंज करना कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक करना चाहो वो भी कर सकते हो आप यहाँ से मार्क। और आपने और क्या लिया था, नेटवर्क कंप्यूटर कर दिया, अच्छा हमने इसको, ठीक है, मार्क क्लोज, ठीक है। एक बार होम में जाके इसको हटा लेते हैं, सो एंड हाइड, नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको इंडेक्स क्रिएट करना है, जो भी एंट्री आपने मार्क करी है, जो भी आपने टॉपिक मार्क करे हैं, उनका आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हो। तो इंडेक्स पे जाएंगे, आपने अगर यहाँ से कोई सेटिंग करनी है क्लासी में या कैसे भी करना है, आप ले सकते हो यहाँ पर, और आपने ओके कर देना, कुछ नहीं सेटिंग करनी है यहाँ पर। वैसे आपने अगर कुछ यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग लेनी है वो आप ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। और उसके बाद ओके करें, जैसे आप ओके करोगे तो ये पुराने टॉपिक के भी आ गए हमारे, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ वर्क किया था इसमें, तो इसमें बताएगा कि जैसे ए बी सी डी, ये क्या होता है, जितने भी एंट्री आपने मार्क कर रखी होंगी इस डॉक्यूमेंट में या कहीं पर दूसरी जगह, तो उनको सब आप जिस जिसको मार्क रखा था, जैसे हमने ए बी सी को मार्क किया था, कमांड को मार्क किया था, ऐसे हमारा यहाँ पर कंटेंट ना तो कोई ए से है, ना बी से, ना सी से है, ना जी से है, किस से था हमारा, एच से था, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में सब कैटेगरी दे रखे थे हमने वहाँ पर, और सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग दे रखी थी। आपको तो शायद नहीं पता कि मैंने कैसे दी थी, उस टाइम मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो यहाँ पर देखो एच मतलब हार्डवेयर का बता रहा है, एस सॉफ्टवेयर बता रहा है, और सी 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 तो कंप्यूटर था हमारा, कहाँ गया, अच्छा ये रहा सी कंप्यूटर, ठीक है।
तो ये पहले आपको मार्क करना पड़ेगा, कोई भी वर्क आप मार्क कर सकते हो। उसके बाद इंडेक्स पे आप क्लिक करोगे तो उसका ऐसा इंडेक्स क्रिएट करके दिखाएगा। हाँ, इसका स्टाइल आप बदल सकते हो, जब आप इंडेक्स पे क्रिएट करते हो तो यहाँ पर ये स्टाइल आप बदल सकते हो कि आपको कैसा लेना है। अपडेट यदि आपने कुछ चेंज कर दिया है, जैसे अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पर जब आप कुछ चेंज कर देते हो तो चेंज करने के बाद अपडेट कर देते हो, वो अपडेटिंग यहाँ पर आ जाती है। तो ऐसा ही इसमें है, आपने कोई एंट्री जैसे इसको मार्क किया हुआ था, सेलेक्ट करो, इसका नाम बदल दो और अपडेट कर दो और इसका नाम अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है टेबल एंड अथॉरिटीज। टेबल एंड अथॉरिटीज इसका यूज क्या होता है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग वर्क को फिल्टर करना होता है, एक तरह से मतलब अलग अलग कन्वर्ट करना होता है। दूसरे पेज पे समझते हैं इसको। इसके लिए ना आपको कुछ टॉपिक लेने पड़ेंगे, आप टॉपिक कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैंने ले लिया एप्पल। कोक, इस पेज में मैं इतना ही लेता हूँ, बाकी अगले पेज पे लेंगे। यहाँ पर लेते हैं पेप्सी और मैंगो ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज अच्छा चलो इतना ही बहुत है। अगर आप और लेना चाहते हैं और भी ले सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ टी शर्ट, टी हाइफन में आएगा, टी हाँ टी शर्ट ये होता है। और यहाँ पर लेते हैं जीन्स, जीन्स रहने दो, आप टी शर्ट पैंट लिख देते हैं, पैंट ठीक है। तो ये हमारी कुछ कैटेगरी बनाएंगे हम इसके लिए। तो कैटेगरी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में जाने के बाद आपने करना क्या है, रेफरेंस में जाने आपको रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद टेबल एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी पे आपने सबसे पहले एप्पल को क्लिक किया, एप्पल को यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। इसको आपने मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको इसकी कैटेगरी सेट करनी है। अब एप्पल क्या है, एप्पल एक फ्रूट है, तो यहाँ पर आप हाँ सॉरी यहाँ पर है ना कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी पहले ऐड करनी पड़ेगी, जो जो आपके पास यहाँ पर है डिटेल। जैसे इसको हमने रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे आठ एट पे आपने क्लिक किया, सॉरी 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 रिप्लेस कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरी में जाने के बाद हमने किसी भी नंबर पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे। अब एप्पल क्या है, एप्पल फ्रूट है, फ्रूट ठीक है, ओके नहीं सॉरी रिप्लेस, तो यहाँ पर देखो एट की जगह रिप्लेस हो गया, सॉरी एट की जगह फ्रूट रिप्लेस हो गया, ओके। उसके बाद हमने बनाना, ये मार्क तो नहीं हुआ, आई थिंक मार्क तो नहीं हुआ। चलो वन बाय वन पहले कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। और क्या है हमारे पास, और है क्लोथ है हमारे पास, है ना, हाँ क्लोथ है, क्लोथ है हमारे पास, रिप्लेस। और क्या है हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक है, हाँ कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक रिप्लेस, ये तो इसी को कर दिया, कोई बात नहीं। क्लोथ रिप्लेस, ओके। अब आपने है ना मार्क करना है, मार्क कैसे करेंगे, मार्क करने के लिए सबसे पहले एप्पल को आपने सेलेक्ट किया। एप्पल को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, क्या है इसकी फ्रूट है, फ्रूट पे क्लिक करने के बाद मार्क पे क्लिक करना है, ठीक है। आप ये मत इसकी हेड मतलब ये हट जाएगा। फिर बनाना, बनाना को सेलेक्ट करो आप, अब बनाना भी फ्रूट है, अच्छा एक बार हटाना पड़ेगा, ठीक है बनाना को सेलेक्ट करो, मार्क एंट्री पे क्लिक करो, सॉरी कहाँ से ले गया, मार्क सिट सिटेशन पे क्लिक करो, क्या लिखा सिटेशन लिखा हो ना, हाँ सिटेशन ही है। तो ये क्या है, ये भी फ्रूट है, मार्क करो इसको, और ये भी मार्क हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, कोक है। अब कोक क्या है, कोक हमारा कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक पे क्लिक करो, कोल्ड ड्रिंक पे क्लिक कर दिया हमने, मार्क। उसके बाद पैंट, पैंट क्या है हमारी,
पैंट है हमारा, क्लोथ है, तो पैंट पे क्लिक करो, पैंट हमारी क्लोथ है, क्लोथ मार्क। ऐसे आपने अगले पेज की करनी, आपको ये चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी, बाद में कर लेते हैं। पेप्सी क्या है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मार्क। मैंगो क्या है, मैंगो है हमारी फ्रूट, फ्रूट है मार्क। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज क्या है हमारा फ्रूट है, फ्रूट मार्क। उसके बाद टी शर्ट क्लोथ है, क्लोथ मार्क, क्लोथ। आपको जितने भी आपने यहाँ पर कंटेंट ले रखे हैं उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क करना है आपने। ये आपका बाय मिस्टेक आया हुआ है, इसको आप डिलीट कर देंगे। और अगर आपको यहाँ से थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मार्क करते हैं तो ये शो एंड हाइड ऑप्शन ऑन हो जाता है। आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे, देखो ये हाइड हो जाएगा। अब आपकी ये डिटेल थी, और इसमें और भी कंटेंट हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब होता क्या है, ऐसा हमने जब किया, मार्क किया एक एक चीज़ को, तो इससे होगा क्या, इससे हम अपना एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं अलग से, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज कैसे, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, इसी के नीचे कर देते हैं। चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो भी हमने जितने भी यहाँ पर अभी कंटेंट को मार्क किया था उसका हम एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे। कैसे, आपने इंडेक्स पे क्लिक करना है, वही सेम प्रोसीजर। यहाँ से आप स्टाइल अगर वगैरह चेंज करना चाहो कर सकते हो। ऑल कैटेगरी पे आपने क्लिक करना है और ओके कर दो। जैसे आपने ओके किया तो देखो क्या आ रहा है, फ्रूट में बता रहा है कि आपके पास फ्रूट कितने हैं, है ना। एप्पल बता रहा है किस किस नंबर लेसन सॉरी किस पेज पे है, बनाना बता रहा है, मैंगो बता रहा है, ऑरेंज बता रहा है। फ्रूट की कैटेगरी अलग कर दी इसने, कोल्ड ड्रिंक की अलग कर दी, क्लोथ की अलग कर दी। तो ये डिटेल जानने के लिए या ऐसी कैटेगरी वाइज अलग से इंडेक्स बनाने के लिए आप टेबल एंड अथॉरिटी का यूज करते हो। तो ये था आपका रेफरेंस। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ लें, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको मेलिंग के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।